Hello students, this is all about 1-2 bond shift rearrangement in cyclic carbocation. बेटा ये और एक important portion है carbocation rearrangement का. आप तो पता है why do carbocation rearrange? In order to attain stability. कहीं पर भी अगर हमको chance मिले कि प्लस चार्ज को नेबरिंग कार्बन में शिफ्ट करने से ज्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर मिले, तब ये प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन. हम आज एक स्पेसिफाइड टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं 1-2 बॉन्ड शिफ्ट या रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकैटायन. इट प्लेज ए मेजर रोल इन फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोडक्ट्स. एंड ये जेई का फेवरेट इंटरमीडिएट पार्ट्स है. देख लीजिए, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट दो तरह के हैं. वन इज रिंग एक्सपांशन. सिंबोलिकली आरी लिख लेते हैं. और दूसरा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन. पहला है रिंग एक्सपांशन, दूसरा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन. रिंग एक्सपांशन क्या है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है? पहले तो रिंग एक्सपांशन हम लोग एनालिसिस करेंगे. कहां रिंग एक्सपांशन होगा देख लेंगे. रिंग एक्सपांशन का कंडीशंस क्या है? रिंग एक्सपांशन का कंडीशन ये है कि प्लस चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट at alpha position to ring. और basically ring expansion कहां होता है? 4 member cyclic ring से 5 member ring, और 5 member cyclic ring से 6 member ring. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 6 member cyclic ring सबसे ज्यादा stable होगा. क्यों? क्योंकि उसमें वो अपने आप को चेयर फॉर्म में डाल के उसके अंदर जो एंगल स्ट्रेन है, उसके अंदर जो भी हिंड्रेंस है, वो सब अवॉइड करता है C6 फॉर्म में. तो रिंग एक्सपांशन का कंडीशन क्या है? प्लस चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन टू द रिंग. और कहां कहां होगा? बेसिकली C4 से C5, C5 से C6. रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां होगा बेटा? कंडीशन कहां कहां हो सकता है? C4 से C3 तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और फिर C7 से C6. C7 से C6 जो है ना, रेयर है, उसके लिए नीड कंडीशंस और मोटिवेशन. जैसे आप लोगों को मोटिवेट करने से ही आप लोग कुछ करते हैं, इसलिए उस हिसाब से उसको भी मोटिवेट चाहिए. और कंडीशंस क्या है? द प्लस चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग. द प्लस चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग. तो चलिए एक एक करके एनालिसिस करते हैं. पहले रिंग एक्सपांशन. तो पहले रिंग एक्सपांशन. हम लोग अभी डिस्कशन किए रिंग एक्सपांशन कहां से कहां होगा. ये हो सकता है C4, मतलब 4 मेंबर कार्बन रिंग एक्सपांड कर सकता है 5 मेंबर रिंग में. और प्लस चार्ज कहां होना चाहिए? प्लस चार्ज शुड बी इन अल्फा पोजीशन टू द रिंग. तो लिख लेते हैं एक एग्जांपल. क्या ये 4 मेंबर रिंग है? जी बिल्कुल. क्या इस रिंग के अल्फा पोजीशन में प्लस है? जी बिल्कुल. अगर हम नंबरिंग करने की कोशिश करें, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, तो हम इसको 1-2 बॉन्ड शिफ्ट भी कहलते हैं. तो इसमें क्या होगा? रिंग
एक्सपांसन होगा। कैसे होगा? देखिए बेटा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा। याद रखो हमेशा प्लस चार्ज के अल्फा और बीटा, ये भी अल्फा ये भी बीटा, ये टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाता है? बीटा की तरफ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड तोड़ता है, यहां नेगेटिव बनता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आने से ये क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड टूटता है। अगर हम इसका ट्रांजिशन स्टेट बताएं तो कैसा रहेगा इसका ट्रांजिशन स्टेट? इसका ट्रांजिशन स्टेट, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड जुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये एज ए होल पॉजिटिव चार्ज रहा, ये है ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूटा, जिस बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड नया बॉन्ड बना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? जब ये टूट के इधर आया, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड किया, तो यहां पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? प्लस चार्ज। तो ये कितना मेंबर्ड रिंग हो गया? 1 2 3 4 5, फोर मेंबर्ड रिंग बिकेम फाइव मेंबर्ड रिंग। और यहां पर प्लस चार्ज कहां हो गया? प्लस चार्ज जो यहां पर था अभी रिंग के ऊपर आ गया। क्या हम इसको, ये क्या उससे ज्यादा स्टेबल है? चेक कर लेते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर जो एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन, यहां पर एंगल स्ट्रेन और कम हो गया या एंगल स्ट्रेन घटा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल स्ट्रेन डिक्रीज्ड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज्ड, स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिंग एक्सपांसन इन फोर मेंबर कार्बन रिंग एक्सपांडिंग टू फाइव मेंबर कार्बन रिंग। ठीक है बेटा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा, सर ये प्लस चार्ज आपने इस पोजीशन पे डाला, आप अगर चाहते तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवा के ये प्लस चार्ज यहां भी ला सकते थे। मतलब कैसा? सर आप अगर चाहते तो ये कर सकते थे, ये प्लस चार्ज इधर था, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाता, यहां पर जो हाइड्रोजन था ये शिफ्ट होके इधर आता, तो सीन कुछ ऐसे बनता, ये बन गया प्लस चार्ज। अभी सर इसके पास सिर्फ था एक अल्फा हाइड्रोजन, अभी इसके पास हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो कम से कम ये ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए सर। पर आपने क्यों रिंग एक्सपांशन प्रिफर किए, ये क्यों प्रिफर नहीं किए? बेटा याद रखो, जो भी टेट्राहेड्रल एंगल के पास रहेगा कार्बन, वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। यहां पर बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल शुड बी 109 degree 28 minute, सो वी एक्सपेक्ट टू इट टू बी 109 degree 28 minute, बट ये बॉन्ड एंगल कितना है? 90। सो डिफरेंस इन एंगल इज दिस मच। हियर इट बिकेम ये sp3 था, ये sp3 था, अभी ये sp2 हो गया। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, एक्सपेक्ट बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120। है कितना? 90। आप देख लीजिए, 90 से 109 ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा या 90 से 120 जो डिफरेंस आया वो ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा? तो यहां से यहां जाने से क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस। आज द एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस इन दिस केस, सो वी विल प्रिफरेबली अवॉइड द एंगल स्ट्रेन, बिकॉज एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस द एनर्जी, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। सो वी विल प्रिफरेबली गो फॉर रिंग एक्सपांशन and not for this hydride shift. So we avoid this hydride shift, rather than we'll go for a ring expansion. Okay, then next, one more example of ring expansion, one more example.
रिंग एक्सपांशन का और एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसा है। अब देखते हैं C5 से C6 कंडीशंस आपको पता होगा, द प्लस चार्ज मस्ट बी एट द अल्फा पोजीशन टू द रिंग। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग लाइक दिस, प्लस दिस प्लस चार्ज इज इन अल्फा पोजीशन टू द रिंग, दिस इज अ फाइव मेंबर्ड रिंग, सो रिंग एक्सपांशन होगा, क्या हो जाएगा हमको पता है, ये इधर आएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जुड़ेगा, तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बना वो कैसा बनेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूटा, तो यहां पर क्या हो गया, एज ए होल दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉन्सेप्ट। फिर क्या हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर यहां से क्या होगा, यहां से क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस चार्ज इधर आ गया, आप देख लीजिए कितना मेंबर रिंग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 6। आई कैन राइट दिस एज दिस वे, व्हाट हैपेंड इन दिस केस, एंगल स्ट्रेन क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन डिक्रीज्ड, फिर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, इंक्रीज, एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी, अभी इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, सो व्हाई डू कार्बोकैटायन रीअरेंज टू अटेन स्टेबिलिटी, ये हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, और एक एग्जांपल, लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल, लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे दिए गए हैं, क्या ये फाइव मेंबर रिंग है, ये प्लस चार्ज अल्फा पोजिशन में है, क्या ये रिंग एक्सपांशन करेगा, जी बिल्कुल करेगा, कैसा करेगा, प्लस चार्ज का जो अल्फा पोजिशन बीटा पोजिशन से वो टूटेगा, ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ ऐसे बॉन्ड करेगा, तो क्या बन गया, क्या ये सीन कुछ, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूटा और यहां पर आ गया प्लस चार्ज, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया, काम करते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, इसको ट्रांजिशन स्टेट के हिसाब से लिखते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट, फिर यहां से क्या बना, ये हो गया प्लस चार्ज, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग बना, ये हो गया प्लस, यस, क्या इसको हम अस्टेबल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, यहां पर जो हाइड्रोजन है यहां पर क्या हो जाएगा, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाएगा, तो फिर क्या बन गया, ये यहां पर आ गया प्लस चार्ज और यहां का ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करके आ गया, तो ये 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, फाइनली ये अपने आपको रीअरेंज करके यहां तक आ गया। बेटा ऐसा नहीं पूछेगा एग्जाम में कि आपको दिया गया है पांच मेंबर्ड रिंग विद प्लस चार्ज, इसको एक्सपांशन करो, ऐसा नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन का इंटरमीडिएट ही रहेगा, आपको क्वेश्चन का अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कैसा रहेगा क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा रहता है, इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा,
क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा। मान लीजिए यहां पर ऐसे करके ब्रोमीन दे दिया और इसको AgNO3 इन एक्वस मीडियम रिएक्ट करवा दिए, ठीक है। और हम लोग तो इसको ऐसा नहीं करेंगे, H3O प्लस में रिएक्ट करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा? जो Ag है ना, Ag इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ब्रोमीन, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन वाला सीन यहां से टूट के निकल जाएगा, क्योंकि Br यहां से Br माइनस करके निकल जाएगा और Ag प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और Ag Br बनेगा प्रिसिपिटेट, ठीक। तो यहां पर और क्या बना, ये कुछ ऐसा बना इंटरमीडिएट स्टेप में, यह आ गया प्लस। फिर आप तो जानते हैं इसमें से क्या हो जाएगा, अभी हम लोग करके आए, ये पहला इंटरमीडिएट बना, फिर ये कैसा इंटरमीडिएट बना, रिंग एक्सपांशन। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट में, फिर ये बना और इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, H3O प्लस का जो अटैक हुआ उससे से OH आ जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, OH। सो दिस इज द आंसर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आई बात समझ में। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका, और एक क्वेश्चन, क्या इसको मिटाए हम लोग, समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, देख लीजिए आप, यस, क्यों, क्योंकि ये 1-2-3-4-5 मेंबर रिंग है और अल्फा पोजीशन पे प्लस है, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ना ही थोड़ा कुछ सेकंड के लिए ये क्वेश्चन से ये हटा दो, फिर देख लेते हैं क्या होगा, क्या कुछ सीन ऐसा बनेगा, ये अल्फा और बीटा है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आएगा, यहां होगा पॉजिटिव, यहां होगा नेगेटिव, तो यहां से ये बॉन्ड ऐसा बनेगा, कैसा बना ये बॉन्ड, यू, ये और ये और ये बना और यहां पर आ गया प्लस चार्ज। देखिए ये कितना था, 1-2-3-4-5 मेंबर रिंग, ये कितना हो गया, 1-2-3-4-5-6 मेंबर रिंग, समझ में आ रहा है ना बेटा, इसमें क्या हुआ, आपको समझाने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बताता हूं, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड जुड़ा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, क्लियर, तो फिर क्या हो गया, ये बॉन्ड यहां से यहां तक जुड़ गया, ठीक है। और फिर जो हमने यहां पर एक सीन बनाया था, ये वाला चीज ऐसा बन गया, डन, आई बात समझ में, इजी था, क्लियर। नेक्स्ट और एक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी वाला, फिर जाएंगे हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, क्या इसको हम लोग और स्टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल, 4 मेंबर रिंग प्लस चार्ज इन अल्फा पोजीशन टू द रिंग, तो ये रिंग एक्सपांशन करवाएगा, ट्रांजिशन स्टेट भी बना देते हैं इसका आपकी सहूलियत के लिए, ये अल्फा बीटा, ये इधर आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहां से बॉन्ड बना, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा, यहां पर प्लस और यहां पर ये, चलो ट्रांजिशन बनाए ही लिए थे तो ट्रांजिशन ये रख लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे प्लस लिखते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, फिर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं,
ये हो गया प्लस, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए कैसे, सॉरी 5 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 मेंबर रिंग बना ये ऐसे, और यहां पर प्लस, यहां से फिर क्या हो जाएगा 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर कैसा बना, सो दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड हाइड्राइड, कहां से है आपको याद है ना, यहां पर एक हाइड्रोजन था ये शिफ्ट किया, फिर ये प्लस कहां कहां गया, इधर आ गया और हाइड्रोजन इधर हो गया, डन, इजी, क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नाउ? नाउ लेट अस गो फॉर द रिंग एक्सपांशन केस, लेट अस गो फॉर द रिंग एक्सपांशन केस, रिंग एक्सपांशन ऐसा होता है, देख लेते हैं, रिंग एक्सपांशन, इसको भी हटा लेते हैं थोड़ा, रिंग एक्सपांशन शायद आपको कंडीशंस याद होंगे, कैसे होगा, C4 से C3 और C7 से C6, C4 से C3 होगा और C7 से C6 होगा, और हम आपको बता चुके हैं पहले से कि ये जो है बहुत ही रेयर है और इस कंडीशंस के अंदर होते हैं, कैसा कंडीशंस, क्या कंडीशंस हम लोग देख लेंगे, और C4 C3 जो है कॉमन है और फेमस है, क्यों कैसे और क्या होता है देख लेते हैं, और आपको शायद याद होगा कि हम आपको पहले से ही बता दिए कि प्लस चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग, ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा हो रहा है, एक एक करके एग्जांपल, पहला एग्जांपल इसका, क्या ये प्लस चार्ज रिंग के ऊपर है, क्या ये 4 मेंबर्ड है, क्या ये परफेक्ट रेसिपी है रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, कैसे होगा यहां पर देखिए बेटा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, वही फंडामेंटल 1-2 बॉन्ड शिफ्ट वाला फंडामेंटल, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज के जो अल्फा पोजिशन से या ये अल्फा पोजिशन बीटा पोजिशन इसके बीच में जो बॉन्ड है टूटता है, रिंग एक्सपांशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रॉन पेयर टूट के कहां जाते हैं, बीटा की ओर जाते हैं, तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट में कैसा बनेगा देख लीजिए, ये ट्रांजिशन स्टेट में कुछ ऐसा बनेगा देख लीजिए, यहां पर ये जो टूट के यहां नेगेटिव हुआ तो ये बॉन्ड बना और ये बॉन्ड टूटा, फॉर एग्जांपल थोड़ा इसको और थोड़ा सुंदर दिखेगा, जैसे ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बन गया, और यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट में ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा बना, ये टूटा ये जुड़ा, तो फिर सीन कुछ ऐसा बना, ये प्लस चार्ज। अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा सर, रिंग एक्सपांशन ने आपने समझाया कि जब रिंग एक्सपांड होता है तो एंगल स्ट्रेंथ घटता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है सर, पर इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट किए, एंगल स्ट्रेन बढ़ना चाहिए, पर आप बता रहे हैं कि ये होगा, बकायदा होगा और स्टेबलाइज भी होगा, बेटा इसका कारण ये जो चीज यहां बना, इसको हम लोग कहते हैं CPM, इसका मतलब है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, इसका मतलब ये है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, इसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, क्यों ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबलाइज्ड है देख लेते हैं बेटा, ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है ना, ये कुछ इस तरह से रहता है, ये ऐसा 3 मेंबर हो गया, ये 3 मेंबर, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा रहता है देख लीजिए, ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है ना,
ये तीन मेंबर हो गया, और ये जो मिथाइल है ना ये sp2 है, जस्ट मिनट, ये sp2 है, सॉरी ये देखिए, ये तीन मेंबर रिंग, और ये जो है sp3 है ना यहां पर, ये थोड़ा सा बैंड है, और ये पोजिशन sp2 है। यहां पर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके वजह से यहां पर प्लस चार्ज है। तो ये जब ऐसे बेंट होता है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये जंप करके इधर आ जाते हैं, ठीक है, फिर वापस इधर जाते हैं, यहां से भी वही चीज होता है, यहां जंप करके इधर आ जाते हैं, क्योंकि ये sp2 है, ये sp3 है, ये थोड़ा बेंट है। ऐसे होने से क्या होता है ना, इस प्लस चार्ज का जो मैग्नेट है ना गिरता रहता है। हम लोग तो पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि लेस द चार्ज मैग्नेट मोर द स्टेबिलिटी, इसका चार्ज मैग्नेट घटता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डांस करता रहता है, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो डांस करने की वजह से क्या हो जाता है, कुछ सीन ऐसे बनते हैं, ये जो है ना ये चीज, यहां पर जो वैकेंट पी है और यहां पर जो सिग्मा बॉन्डेड पी है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं फिर वापस यहां जाते हैं, ठीक है। ये जो प्लस चार्ज है ये कुछ, ये sp2, ये sp3, ये sp3, sp3, फिर क्या हो गया, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड, मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया तो कैसा हो गया, ये और यहां पर प्लस चार्ज, समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना दिया यहां पर, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर प्लस चार्ज, ठीक है। और कुल मिला के इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिख सकते हैं, कैसे हो गया, प्लस चार्ज। तो सीपीएम का जो है ना बेटा सीन, सीपीएम का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, सीपीएम इज हैविंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। सो इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम 4 मेंबर टू 3 मेंबर इज फ्रीक्वेंटली सीन बिकॉज सीपीएम इज हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, कुछ ज्यादा ही उसके पास स्टेबिलिटी है। देख लीजिए और एक कॉन्सेप्ट, C7 to C6, C7 to C6 कैसा होगा, C7 to C6 देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, इसमें क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, प्लस पोजीशन से अल्फा बीटा वाला केस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहां बॉन्ड करेगा, तो क्या कुछ सीन ऐसा बनेगा, ये बॉन्ड बन गया और यहां पर क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहां पर आ गया प्लस चार्ज, क्या सही बना। देख लीजिए अभी ये कितना मेंबर रिंग हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। सर ये तो आराम से बन गया, आप बता रहे थे कि ये रेयर है और बनने में दिक्कत होता है। देखो बेटा दिक्कत तो कहीं नहीं हुआ, आपको दिक्कत दिखा नहीं, यहां पर देखो ये 1 2 3 4 अल्फाजन, जबकि यहां पर एक ही अल्फाजन, जबकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, जबकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। हमको पता है कि सेकेंडरी इज मोस्ट स्टेबल देन दी प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्रॉब्लम कहां हो गया, यहां तो कोई सीपीएम का सीन नहीं है, कोई बेंडिंग वेंडिंग का सीन नहीं है, तो होता है क्या, ये ऐसा नॉर्मली होगा नहीं, उसको होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, कुछ मोटिवेशन फैक्टर चाहिए। चलो एक काम करते हैं, कुछ मोटिवेशन फैक्टर लगा ही लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर कुछ हमने ऐसा सीन लगाया, यहां पर एक फिनाइल ग्रुप डाल दिया, तो ये यहां पर फिनाइल ग्रुप आ गया, तो देखो बेटा क्या ये इससे ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है, जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज इज नाउ रेजोनेंस स्टेबिलाइज, गॉट इट। मान लीजिए हम फिनाइल को हटा के OCH3 ग्रुप डाल दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OCH3 ग्रुप आ गया, क्लियर। क्या ये OCH3 ग्रुप होने से ये क्या? तो क्या हुआ यहां पर, अगर हम लोग फिनाइल को हटा के यहां पर एक OCH3 यहां पर एक O डाल दिए, तो क्या हो जाएगा,
क्या ये OCC डालने से यहां प्लस एम इफेक्ट आ गया? जी बिल्कुल, प्लस एम इफेक्ट आने से क्या हो जाएगा, ये काफी स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि कार्बोकैटायन हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर प्लस एम इफेक्ट। एक सवाल आपसे, अगर हमने यहां पर फिनाइल ग्रुप लगाया तो आप बताइए, ये भी तो इस प्लस का ये अल्फा बीटा है, ये भी तो अल्फा बीटा है, तो ये टूटेगा कहां से, इस अल्फा बीटा से या इस अल्फा बीटा से? चेक कर लेते हैं। अगर ये अल्फा बीटा टूटा तो ये प्लस आएगा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, अगर ये अल्फा बीटा टूटा तो यहां प्लस आया जाएगा प्लस एम स्टेबिलाइज्ड, एंड वी नो दैट प्लस एम इज हैविंग मोर इफेक्टिवनेस और प्लस एम इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन रेजोनेंस। सो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फिनाइल उसी तरह रह जाएगा और ये ब्रेकिंग यहां पर हो जाएगा, डन। सो दिस इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस इज ऑल अबाउट रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक कर लीजिए। यहां पर ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। एक छोटा सा चीज हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्लास वाइंड करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। यहां पर एक फिनाइल ग्रुप है, यहां पर एक फिनाइल ग्रुप है और यहां पर प्लस चार्ज। अब बताइए इस केस में रिंग एक्सपांशन होगा या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा? कंडीशंस देख लीजिए बेटा, फोर मेंबर्ड रिंग है, प्लस चार्ज ओवर द रिंग, तो बकायदा पूरा चांसेस है रिंग कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो कैसा करेगा, ये अल्फा ये बीटा, तो यहां पर ये अल्फा बीटा टूट के इधर आ जाएगा, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया फिनाइल का केस, ये और ये हो गया फिनाइल का केस, ये रिंग टूटा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड यहां जुड़ गया, ये हो गया प्लस चार्ज, हो गया, ये काफी स्टेबल है रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, डन। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड रिंग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट्स। सो स्टे कनेक्टेड, फॉर एनी डाउट्स यू कैन सब्सक्राइब अस, यू कैन ईमेल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन आस्क अस एनी डाउट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।